गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा है ना। अब तो बहुत टाइम पहले पढ़ा था, काफी दिनों की छुट्टियां हो गई बीच में, फिर भी आप लोगों को याद होगा। और अगर फिर भी याद ना हो, भूल रहे हो उस मॉडल को, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में कि रदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि एक एटम जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर में होता है। थॉमसन ने कहा कि पूरा जो एटम होगा वो स्पेरिकल होगा और पॉजिटिवली चार्ज स्पेरिकल होगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा एक एटम जो होता है। पर रदरफोर्ड ने उसको पूरी तरह से गलत प्रूव किया, आई रिपीट प्रूव किया बाय द एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम जो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर में होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन एटम का सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर में है और इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा कहा था किसने? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। अब लोग ये बात जो बोली इन्होंने, दूसरी बात कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हो, क्या कहते हो? ऑर्बिट, ठीक है। यही बात इसके लिए बड़ी खराब साबित हुई है ना। ये जो बात बोली थी इसने कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यही बात इसके लिए बहुत खराब साबित हुई, थोड़ी नहीं बहुत खराब, ठीक है। तो इसके मॉडल में कुछ कमियां थी, मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके कुछ ड्रॉबैक बता दूं, ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसका ड्रॉबैक समझोगे तो ही अगले मॉडल के लिए आगे आ पाओगे, ठीक है। मतलब अगला मॉडल का बेस आपको कहां से मिलेगा, इसके ड्रॉबैक से। देखो सुनो, इसने ऐसा बोला कि यार सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है, ऐसा होता भी है ना। बट इससे क्वेश्चन पूछा गया, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, नाम क्या था उनका? मैक्सवेल, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनकी एक थ्योरी थी है ना, इनकी एक थ्योरी थी मैक्सवेल की, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक लॉ था ऐसा कह दो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इनकी एक थ्योरी क्या कहती थी, ये लॉ क्या कहता था इनका, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, क्या कहा मैंने, जस्ट इमेजिन कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन कर रहा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, सब जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इन्होंने क्या कहा मैक्सवेल ने, थ्योरी वेल प्रूव थ्योरी थी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इन्होंने वैसे ही बोल दिया था, कुछ प्रूव किया था बकायदा। और इनकी थ्योरी क्या थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, जस्ट इमेजिन, देखो मान लीजिए ये सेंटर है ना किसी का, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जब इस सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करेगा तो कंटिन्यूअसली ये अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, बाहर निकालता है, ऐसा कहा था जिसने मैक्सवेल ने, प्रूव भी किया था, ठीक है। जस्ट इमेजिन में कह रहा था कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये सेंटर है, ये इसके चारों तरफ मोशन कर रहा सर्कुलर पाथ में। तो मैक्सवेल ने कहा कि सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए ये जो चार्ज पार्टिकल है अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन पूछा गया था रदरफोर्ड से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसको भी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, बाहर निकालनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है, अगर ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा बाहर निकालेगा तो धीरे 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 न्यूक्लियस के पास आएगा और लास्ट में कहां जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अरे भाई धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ अपनी एनर्जी रेडिएट करता हुआ पास आएगा न्यूक्लियस के और कहां गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए है ना, एटम शुड नॉट बी स्टेबल। अगर ये आप सही कह रहे हो, ये बात सही है आपकी, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो एटम शुड नॉट बी स्टेबल, बट एटम तो स्टेबल होता है, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो कि मैक्सवेल ने कहा, जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में आपने कोई पत्थर बांधा हुआ है धागे से, आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप उसको घुमा रहे हो, तो जब आप उसको घुमाना बंद करोगे तो धीरे 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 कहां गिरेगा, सेंटर,
ठीक है, कहां पे गिरेगा, सेंटर पे। इन्होंने ऐसा कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट करेगा है ना, तो वो अपनी एनर्जी इसी तरह रेडिएट करता है और कहां पे गिर जाएगा, सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन को भी गिर जाना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं गिरता, ठीक है। रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, रदरफोर्ड इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था कि इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहा पर गिर क्यों नहीं रहा, जबकि गिरना चाहिए, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनसे ऐसा पूछा गया, सुनना ध्यान से सुनना जी, कि अभी बात बताए, चलिए मैक्सवेल को थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको एक फोर्स की जरूरत होती है, विच इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपेटल फोर्स, सुनना ध्यान से। आपको पता है अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूमती रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घूमती है सर। एक्चुअली में क्यों घूमती है जानते हो, ये सन है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ घूम कैसे रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, भाई दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा, ठीक है, यानी कि एक फोर्स वर्क कर रहा जो कि इस अर्थ को इस सन के चारों तरफ घूमने में मदद कर रहा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो घूम पाती है, ठीक है, बचपन में पढ़े थे आप लोग सब, ठीक है। वहां पर जो फोर्स एक्चुअली में लग रहा है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, विच इज सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घूमना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, तो उसको एक फोर्स चाहिए घूमने के लिए, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे आपने बचपन में किया होगा ना, हम बहुत करते थे ऐसे, दो हाथ पकड़े, दूसरे बंदे ने दो हाथ पकड़े और ऐसे गोल गोल घूमते थे, है ना। आप जब गोल गोल घूमते हो तो आपकी तरफ एक फोर्स लगता है, आप अपनी तरफ एक फोर्स लगाते हो, वो अपनी तरफ एक फोर्स लगाता है आपसे, ठीक है। अब राउंड एंड राउंड घूमने के लिए एक फोर्स की आपको जरूरत होती है जो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इनसे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो इसको एक फोर्स चाहिए, ठीक है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को कहां से मिलेगा, इस सवाल का जवाब भी रदरफोर्ड पूरी तरह नहीं दे पाए। बात समझ में आ रही है, पूरी तरह नहीं दे पाए कि किस तरह ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसको मिलेगा। क्लियर होती है बात मेरी, ये इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थे। अल्दो सीबीएसई ने इस साल नए सिलेबस में रिवाइज किया है सिलेबस ड्यू टू कोरोना, है ना, कोरोना ने आपका सिलेबस कम करा दिया है ना, कितनी पावर है उसमें। आपका सिलेबस इस तरह से है कि उसमें रदरफोर्ड मॉडल तक कुछ नहीं है, मतलब ना तो आपके थॉमसन का मॉडल है ना न्यू सिलेबस में, ना रदरफोर्ड मॉडल है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल नहीं आता, इसकी ड्रॉबैक्स नहीं आती, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैंने एक बार इसकी जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थी वो बता दी। इसके अलावा एक और थी कि ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होता है अपन नील्स बोर के मॉडल में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या पूछा गया, कि यार चारों तरफ घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट करता हुआ कहां जाके गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर, बट नहीं गिरता, बताओ क्यों नहीं गिरता, ठीक है। दूसरा कि एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन के लिए, फोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को कहां से मिला। मेरे को अगर चारों तरफ घूमना है किसी का हाथ पकड़ के, तो मुझे फोर्स चाहिए मेरी तरफ, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है, मुझे एक फोर्स चाहिए तभी मैं घूम पाऊंगा, वरना मैं नहीं घूम पाऊंगा। सोचो ना, आप कोई बड़ी सी बोल लो, ठीक है, एक उसको धागे से बांध के घुमाओ, आप अपनी तरफ एक फोर्स फील करोगे, आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, साथ साथ अपने हाथ की तरफ एक फोर्स फील करोगे जिससे वो सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। सोचो जरा कि थोड़ा सा दिमाग चलाओ, मैंने बॉल घुमाई, अगर केवल फोर्स बॉल पर लग रहा होता तो वो बॉल दूर जाके गिर जाती, बट वो बॉल भी कंटिन्यूअसली कुछ फोर्स लगा रही आपके हाथ की तरफ, जब भी तो वो घूम रही, और वो बॉल का फोर्स, ये बॉल है ना, ये कंटिन्यूअसली इस तरह घूम रही है, ठीक है। अब घूम कैसे रही है, जब ये बॉल इस हाथ पर भी कोई फोर्स लगा रही है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। ये जो मैं लगा रहा फोर्स उस पर, मैं जो फोर्स लगा रहा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो बॉल लगा रही मेरे ऊपर वो कौन सा फोर्स, मेरे हाथ के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वजह से वो राउंड एंड राउंड
घूम पा रही है। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के मॉडल के, और इन ड्रॉबैक से ही निकल के आया हमारा अगला मॉडल, किसका था? सर निल्स बोहर का, है ना। निल्स बोहर ने अपना एक मॉडल हमें दे दिया कि टेंशन मतलब हम एक मॉडल आपको दे देते हैं, ठीक है, और उसको हम निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो उसको हमें देखना है किस तरह से निल्स बोहर ने इन ड्रॉबैक्स को दूर किया, है ना, उसको हम समझेंगे ध्यान से। और ये मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में निल्स बोहर का मॉडल नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं, है ना। बहुत शानदार मॉडल है, यहां से आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे, नई नई चीजें आएंगी, तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत नई नई चीजें आएंगी यहां, ठीक है। तो इस मॉडल को आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना है। तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, हेडिंग लगाएंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ निल्स बोहर या निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल। अब क्या था निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वो मैं बताऊं, उससे पहले एक बात सुनेंगे आप। ये जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं ये एप्लीकेबल होगा केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। क्या बोल गए सर, बताते हैं, पहले लिख लेते हैं, है ना। हैशटैग लगा के लिखो, दिस मॉडल इंपॉर्टेंट है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। छापो जल्दी से, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए मैं आपको बताऊं, इसी लाइन पर जेई में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, इसी लाइन पर नीट में भी जेई में भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया। मतलब क्या है इसका, कि ये जो मॉडल है केवल उन्हीं स्पीसीज पर, एटम्स पर या आयन्स पर लगेगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 1H1, एक इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये H+ पर लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा H+ पर, अरे H+ का बना जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो उस पर ये नहीं लगेगा। जैसे ही मॉडल एप्लीकेबल होगा HE+ पर, है ना, जैसे अरे भाई HE में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया तो चार्ज कितना आया प्लस, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1, तो HE+ पर लगेगा। जैसे ये मॉडल एप्लीकेबल होगा Li2+ पर, लिथियम 3 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए तो कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ये मॉडल एप्लीकेबल है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो ये मॉडल हम यूज में नहीं लेते। क्लियर है बात मेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ ले क्या ये मॉडल बेरिलियम पर लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्लियर होती है बात मेरी। जैसे आपसे पूछ ले मॉडल नाइट्रोजन पर लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि किस पर बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है, पूछा भी गया, ठीक है, पूछा भी गया, हालांकि बहुत आसान है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये लिखी कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, Li+, HE2+ एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब ये पोस्टुलेट्स का क्या मतलब है भाई, हेडिंग लगाओ पहले पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है, कोई चीज मानी गई हो, एज्यूम की गई हो और फिर उसको प्रूफ किया हो, है ना। क्या कहा मैंने, किसी चीज को मान लिया फिर उसको प्रूफ कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट, ठीक है। अजम्पशन लिए, उनको बाद में प्रूफ किया, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो कुछ अजम्पशंस क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स थे निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल का, वो क्या था, सुनना ध्यान से, एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहली बात तो इन्होंने ये कही, ठीक है। अब ये बात तो सर सबने कही थी, अरे कही थी कि नहीं कही थी, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं। थॉमसन ने भी कहा था, रदरफोर्ड ने भी कहा था, ठीक है, निल्स बोहर ने भी कह दिया कि जो एटम होता है उसके अंदर
इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जैसे कहते हैं उसको एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सेकंड बात जो निल्स बोर ने कही थी, क्या कहा, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सर ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, बिल्कुल कही थी भाई, इन्होंने भी कही थी। ठीक है, सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये बात इन्होंने भी मान ली थी कि यहां सही कह रहे हैं रदरफोर्ड साहब कि एटम के पास सेंटर है। रदरफोर्ड तो इस मामले में गलत हो ही नहीं सकता, शानदार तरीके से प्रूफ किया था उसने, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात थी कि एटम का एक सेंटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, क्या होता है उसमें, पॉजिटिव चार्ज। तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि रदरफोर्ड साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आया, है ना, उस सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आया, वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। क्या कहा निल्स बोर ने, क्या कहा कि सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, एक मिनट रुको, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और चीज उन्होंने कही थी जो रदरफोर्ड ने भी कही थी, है ना, सुनो ध्यान से क्या कहा था, इसको हम बाद में देखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स को इसके बाद देखेंगे, सुनना एक बात कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, अगर ये आपको किताब में बाद में मिलेगा पर कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स। अब सर ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, गलत बात है, तो आप सारी बात वही लिख दो जो रदरफोर्ड ने कही थी, बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा करेक्शन था। देखो अभी तक वही सब सेम चल रहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है, निल्स बोर, रदरफोर्ड ने भी कहा था, बट इन्होंने एक चीज ऐड की इसमें, क्या, ऑफ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस। देखो एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन तो करता है पर मोशन एक कांस्टेंट रेडियस के ऑर्बिट में करता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी करेगा, मतलब समझो ये सेंटर है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, वो सर्कुलर पाथ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी पाथ सर्कुलर पाथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट निल्स बोर ने क्या कह दिया कि यार ये जो सर्कुलर पाथ होंगे ना इनकी रेडियस फिक्स होगी, मतलब मान लो पहला सर्कुलर पाथ ये है तो ये फिक्स रेडियस का पाथ है, ऐसा नहीं कि यहां भी होगा ना, एक फिक्स रेडियस में होगा, एक कंडीशन इन्होंने बताई थी जिसे क्वांटाइज कंडीशन कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि जो रेडियस होगी पाथ की, ये जो रेडियस, ठीक है, ये जो रेडियस है ये फिक्स होगी, कुछ भी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रेडियस मान ली ना, एक फिक्स रेडियस के पाथ होंगे, क्लियर होगी बात, नहीं ऐसा नहीं कि यहां भी आपने पाथ बना दिया, यहां आपकी मनमर्जी होगी ना, एक फिक्स रेडियस होगी, और इन कांस्टेंट रेडियस के पाथ को, बात समझ में आई होगी, इन कांस्टेंट रेडियस के पाथ को इन्होंने कहा था ऑर्बिट्स, उन्होंने भी कहा था रदरफोर्ड ने, इन्होंने एक और नाम दिया और शेल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूमते हैं, बट उस सर्कुलर पाथ की रेडियस फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि वो रेडियस कुछ भी हो जाएगी, क्लियर है बात मेरी, इतना अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से पॉज करो वीडियो को, फटाफट नोट करो, गर्मी बहुत तेज है ना, काफी गर्मी है, भयंकर वाली। तो तीन चीजें आपने सीखी कि एटम जो होगा क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर्स में होंगे, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फिर सेंटर को न्यूक्लियस कहा, पहले भी जानते थे आपके पास, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, रेडियस कांस्टेंट होगी, उनको हमने ऑर्बिट्स कहा, क्या बोल रहे हैं, अपनी तरफ से एक और नाम उनको दिया शेल्स। ठीक है, नंबर चार सुनो ध्यान से व्हाइल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, इन सर्कुलर पाथ
द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज provided by electrostatic force of nucleus and electron. क्या लिख दिया सर, ये समझ में नहीं आया मुझे, समझा है ना, पेंडुलम भी ले लो, इन्होंने क्या कहा सुनो, पहले सुनो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है किसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए है ना, ये तो कंफर्म हुआ, वो कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्या मतलब है सर इसका, सुन ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा अवगत करा दूं है ना, इससे थोड़ा परिचय करा दें आपका कि ये क्या है ना, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे, इसको आप जान गए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सुनो, अब फिजिक्स में पढ़ोगे वैसे फिजिक्स का टर्म है ना, शायद आपने पढ़ भी लिया हो, शायद नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, ट्वेल्थ में आती है शायद फिजिक्स में है ना, चलिए मैं बता देता हूँ आपको जितनी जरूरत है, जस्ट इमेजिन कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये रखा और एक ये रखा, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, कितनी है आर, है ना, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, चार्ज पार्टिकल, आई रिपीट, चार्ज पार्टिकल, एक ए और एक बी, अब चार्ज पार्टिकल है तो इनका वो चार्ज भी होगा, मैंने कहा कि इसका चार्ज है क्यू वन, ठीक है, और इसका चार्ज है क्यू वन, क्लियर हो रही है बात मेरी, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, ठीक है, एक पर चार्ज हमने माना क्यू वन, दूसरे पर चार्ज हमने माना क्यू टू, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, अगर ये अपोजिट चार्ज होंगे तो, है ना, अगर ये क्यू वन और क्यू टू अपोजिट चार्ज है तो आप सब जानते हो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं दोनों आपस में, ठीक है, अगर ये दोनों सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो, क्लियर होती है बात मेरी, आप रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर होती है बात मेरी, तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा एफ है ना, हम मान लेते हैं कि दोनों कैसे चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज है, मान लो मेरे कहने से क्या दिक्कत आ रही, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के मल्टीपल के, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, क्लियर होती है बात मेरी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के, और जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उतना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो बहुत सीधी सी बात है, दो चार्ज पार्टिकल है जितना दूर लेके जाओगे उतना कम अट्रैक्शन फील करेंगे, तो क्या कहा कि F is directly proportional to Q1, Q2, F is inversely proportional to R square, कोई दिक्कत है ना, इन दोनों को मिला के लिखा तो F is directly proportional to Q1, Q2 upon R square, यहां तक कोई डाउट बोलो, लिख सकता हूं मैं ऐसा, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई कॉन्स्टेंट लाना है, लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, F is equals to K Q1 Q2 upon R square, F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1, बिटवीन A एंड B, ठीक है, F क्या है, F is the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात समझ में आ रही, F is the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन A एंड B, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है, समझ में आ गई होगी, इसको अपनी कॉपी में नहीं साइड में छाप लो, यहां काम नहीं आएगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया, अलो आप गलत करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी निकालने वाले हैं, ठीक है, अब इसको अपनी कॉपी में नहीं साइड में छाप लो, ठीक है, लिख लिया, चले आगे, अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन्स की, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की, या एटम की बात कर रहे हैं, तो सुनो अभी तक की कहानी क्या है कि ये एटम है, ठीक है, बीच में क्या है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, अभी मुद्दा ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां पर जस्ट इमेजिन कि ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखी है, कितने डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है r, क्लियर होती है बात में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर, e, अरे 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है ना, उसको मैं किससे लिख रहा हूं, e से। मैंने कहा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिखा q1 से इज इक्वल्स टू e, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, बोला उसको मैं क्या मान रहा हूं, e, कोई दिक्कत आपको नहीं सर। अच्छा अब सुनो, यहां पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, जस्ट इमेजिन ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को ही मान लो, इसको भी मान लो, अरे इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच के डिस्टेंस आ, समझ गए होंगे आप मैं क्या करने जा रहा हूं। अच्छा सुनो, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, सुनना ध्यान से, मान लो कि इसमें 6 प्रोटॉन्स है, है ना, ऐसे मान लिया मैंने, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, तो इन 6 प्रोटॉन का चार्ज ही न्यूक्लियस का चार्ज होगा। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है सर, 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि e के बराबर, 6 प्रोटॉन पर कितना होगा, 6 × e, बात समझ में आ रही। मैंने कहा कि यहां पर जेड प्रोटॉन है, अरे जितना इसका होगा एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, जेड से। मैंने कहा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड, क्लियर हो गई बात, ठीक है, कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड, तो इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Z × e, भाई Z × e प्रोटॉन का चार्ज, अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 × e, 15 प्रोटॉन्स हैं तो 15 × e, है ना, Z × e तो बोल रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना हुआ, Z × e। अब व्हाट इज दी, इसको हम बोल रहे हैं q2, क्या बोल रहे हैं, q2, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बहुत आसान है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां लिख देते हैं F E से लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, बराबर होगा कि q1 q2 / r2, q1 कितना e, q2 कितना Z × e / r2, दोनों के बीच की डिस्टेंस या रेडियस, वही तो डिस्टेंस होगी, इसी को और सुंदर तरीके से लिखिए, तो k × Z²/r², बोलो कोई दिक्कत की नहीं होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू k × Z²/r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यही क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, यही क्या है एक्चुअली में इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स फील करेगा इससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यानी कि इसको मैं मिटा रहा हूं एक मिनट के लिए पूरे को, है ना, यहां पर कहीं कोने में लिख देते हैं कि FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा के अभी लिखा था Z²/r², ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां से हम एक बात कंक्लूज कर सकते हैं कि एफ सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स कहां से मिला, एफ सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो क्लियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने अभी निकाल दिया कितना होगा, k × Z²/r², क्लियर होती है बात मेरी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सुनना एक बात, हो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत और सुन लो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये पार्टिकल अगर एक पार्टिकल बी इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हमने कहा वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी से, और इसका मास कितना है, एम, मास कितना है इसका, m, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बराबर होता है mv² / r, किसके बराबर होता है, mv² / r के, अब इसे इलेक्ट्रॉन पर लगा के देखें इसको, तो इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा, हमने कहा दोनों के बीच की रेडियस r, वही मान रहे हैं तब से, इलेक्ट्रॉन का मास कितना मान लिया m, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, v, तो हमने कहा mv² / r, ये क्या होगा इसका सेंट्रीपिटल
फोर्स, ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फोर्स कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कहां से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि दोनों बराबर होंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के इन टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट था, उससे एक बात निकल गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल्स टू k इनटू z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने आपको डेराइव किया, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन r के। क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट फोर्थ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, नोट कर लिया होगा आपने, या फिर रिवाइंड करें, पॉज करें, नोट करें, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नंबर फाइव, पोस्टुलेट नंबर फाइव, मार्कर की इंक कम हो गई है ना, फिर भी काम चल जाएगा अभी, चलिए सुनेंगे बात को ध्यान से, नंबर फाइव क्या है सुनेंगे ध्यान से। उन्होंने कहा कि सुना, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ मोशन कर रहा इलेक्ट्रॉन, फिक्स रेडियस होगी, केवल इतनी कंडीशन नहीं है, और भी चीज है, क्या कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, क्या बोल दिया सर, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं, ना पहले मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, लिख देता हूं पहले, फिर समझाएंगे इसको आराम से, सुनना ध्यान से। क्या कहा सेमेंस बोर ने कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स, इन दोज ऑर्बिट्स, अब इनफिनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, बट इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया, आएगा, सुनो, पहले तो इसको देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ना एक नया टर्म आया एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स का टर्म है ये भी, है ना, यही बता देंगे आपको, नहीं पता आपको, मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो पता ही क्या होता है, है? ये तो पढ़ा है सर, ये तो पता होना चाहिए सर, मोमेंटम होता है m into v। अरे कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास कितना है m, तो उसका मोमेंटम क्या होगा m into v, पढ़ा था ना नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में, ऐसा ही है p is equals to m into v, पढ़ा हुआ है ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम टर्म तब काम में लेते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं, तो मेरे मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मैं किससे डिफाइन करूंगा, मोमेंटम से। अब जो काम स्ट्रेट लाइन मोशन मोशन में मोमेंटम कर रहा, वही काम एक सर्कुलर पाथ मोशन में कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इमेजिन क्या, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा, ठीक है, एक आर रेडियस के पाथ में, अभी कहा ना इसकी फिक्स रेडियस होगी, हमने कहा आ, क्लियर होती है बात, ठीक है, तो आर रेडियस के पाथ में मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है सब, करने दो, हमारा क्या जाएगा है? मास कितना है इसका, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा एम, हमने कहा कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, ठीक है, तो यहां पर जो मोमेंटम होगा, अरे मास है वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को मोमेंटम ना लेके सर्कुलर पाथ मोशन की वजह से किस टर्म में डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, और एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी इंटू आर, या आप कह दो पी इंटू आर के, पी किसके इक्वल सर, एन इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर,
बोलो क्लियर होती है बात मेरी। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में एक तरह का मोमेंटम है सर्कुलर पाथ के लिए, जो काम मोमेंटम करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में वही कौन करता है एक सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे लिखते हैं, एम इंटू वी इंटू आर। एक आर रेडियस के पाथ में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू वी इंटू आर। तो एंगुलर मोमेंटम कितना, एम इंटू वी इंटू आर। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना याद रखो पूरी जिंदगी काम आएगा जब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या, एम इंटू वी इंटू आर। उन्होंने कहा कि केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई हो या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर हो एच अपॉन टू पाई, या एम वी आर बराबर हो 2h अपॉन 2π, या mvr बराबर हो 3h अपॉन 2π, वही ऑर्बिट पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। फिर से समझो एक बार कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये उसका सर्कुलर पाथ है, घूम रहा है इसमें। ये सर्कुलर पाथ केवल तब ही हो सकता है, या ऐसा कह दो कि इलेक्ट्रॉन केवल, बहुत सारे सर्कुलर पाथ पॉसिबल है ना इधर, बहुत सारे है ना, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल कहां रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर हो किसके, एच अपॉन टू पाई के या टू एच अपॉन टू पाई के, इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल है देखो, एच अपॉन टू पाई, टू एच अपॉन टू पाई, थ्री एच अपॉन टू पाई, फोर एच अपॉन टू पाई, फाइव एच अपॉन टू पाई, सिक्स एच अपॉन टू पाई, ठीक है, यानी कि एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल वैल्यू या तो h अपॉन 2 पाई हो या n h अपॉन या 2 h अपॉन 2 पाई हो या 3 h अपॉन 2 पाई हो, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं n h अपॉन 2 पाई, where n is, where n is number of shell, number of shell। क्या कहा मैंने, n क्या है यहां पे, number of shell। just imagine ये पहला shell है, इसके लिए n बराबर 1, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि k, ये दूसरा सेल L, ये तीसरा सेल M, ये चौथा सेल N। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा K सेल के लिए, K के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट सेल है 1 तो MVR बराबर होगा H अपॉन 2 पाई, ठीक है, L के लिए N इज इक्वल्स टू होगा 2 तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यहां लिख दे रहा हूं MVR इज इक्वल्स टू 2H अपॉन 2 पाई व्हिच इज इक्वल्स टू X अपॉन पाई, ठीक है। तीसरा MVR is equals to 3H upon 2 pi, है ना? चौथा MVR is equals to 4H upon 2 pi, और you can say 2H upon pi। सॉल्व करो, क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि आपसे पूछ ले कि N के लिए एंगुलर मोमेंटम N शेल है, या कह दो M शेल है, M शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो KLM, M यानी कि N is equals to 3, तो 3H upon 2 pi। आपसे पूछ रहे कि n शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा 2h / 2 पाई, और यही ऑर्बिट पॉसिबल है, इनके अलावा कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ इनके अलावा कोई ऑर्बिट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाए, mvr कितना हो जाए 1.5 h / पाई हो जाए, इस तरह हो जाए, या 3/2 h / 2 पाई, इस तरह से कह रहा हूं मैं, जैसे 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 मैं कह दूं कि 1.8 क्लियर है बात मेरी। इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट एक्यूरेट में कोई याद नहीं आ रही 6.36 और 1.36 के समथिंग, शायद 1.63 इनटू 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड, ठीक है, ये एच की वैल्यू होती है ना, एक बार चेक कर लेना है ना गूगल पे जाके, या फिर मैं देख के बता दूंगा, एक बार मेरे को अच्छे से याद नहीं है, शायद 1.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है एच की, तो सब कॉन्स्टेंट है, याद रखें यहीं से कंसेप्ट आया था शेल्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से पढ़े हो आपने क्लास में ना, KLMN है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखा था,
इनके बेसिस पर 288 इस तरह से लिखते थे आप 288 है ना, क्लियर होती है बात मेरी। तो इतना ध्यान रखना है MVR किसके इक्वल होगा NH अपॉन 2 पाई के, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन 2 डाल लेना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि बोस मॉडल, तो आपको सबसे पहले यही करना है MVR is equals to NH upon 2 pi, इतना ज्यादा काम आएगा ये टर्म आपके, ठीक है। कोई आपसे पूछे बोर मॉडल NH upon 2 pi, क्लियर हो गई बात मेरी। अब दो चीजें अपने दिमाग में बैठाएं, जितना रदर अभी तक मैंने आपको बताया एटॉमिक मॉडल किसका, निल्स बोर का, उसमें दो चीजें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, मैं मिटा रहा हूं, वापस से सुन लो एक बार, इसको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से सुन लो, एंगुलर मोमेंटम क्या MVR और ये किसके इक्वल होगा H upon 2 pi का इंटीजर यानी कि n की वैल्यू, n क्या है नंबर ऑफ शेल है ना, विच कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जा सकती है वैल्यू, बस इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक हमने पढ़ा, दो चीजें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, कौन कौन सी चीजें सर, एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एक अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना कि ये m into v into r is equals to nh upon 2 pi, क्लियर हो गई बात मेरी। इन दोनों इक्वेशन को दिमाग में बैठा लेना, जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, वो सब न्यूमेरिकल ज्यादातर इन दोनों पर ही भेजूंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए यहां तक हमने बात की है ना, अगला पोस्टुलेट और लिख लेते हैं जाते जाते, न्यूमेरिकल्स वगैरह का पोर्शन कल देखेंगे, ठीक है। एक बार अगला न्यूमेरिकल और देख, सॉरी अगला पोस्टुलेट इसका और देख लेते हैं, क्या कहा निल्स बोर ने, निल्स बोर ने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स, कौन से ऑर्बिट जिनमें एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो एनएच अपॉन 2 पाई, याद रखना व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स इट neither release or gain energy. अब क्या कहा है बोल रहे हैं कि जब इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो ना तो एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इन एनर्जी लेवल्स को या इन ऑर्बिट्स को निल्स बोर ने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट्स और यू कैन से शेल्स, ठीक है। निल्स बोर ने क्या कहा था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और शेल्स, और साथ में एक और नाम कर दिया एनर्जी लेवल। देखो कितने नाम हो गए, ऑर्बिट, शेल्स, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी शेल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इन पार्ट्स में मूवमेंट करता हुआ इलेक्ट्रॉन, जब रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो इट नाइदर लूज और गेन एनर्जी, ठीक है, ना तो रिलीज करेगा ना गेन करेगा, ठीक है। एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, अगर इफ ये एनर्जी रिलीज करता है किसी तरह से या एनर्जी गेन करता है, जस्ट इमेजिन कि आप फोटोन मार रहे हो है ना, अब फोटोन मारे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोटोन क्या लाइट के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, पढ़ेंगे है ना, फोटोन मार रहे हो आप, लाइट मार रहे हो, लाइट फटाफट किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पर, तो सब उसको एनर्जी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी ले भी लेता है तो वो अपने ऑर्बिट से उछलकर या अपने एनर्जी लेवल से उछलकर ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है, और वो एनर्जी लेवल उस एनर्जी लेवल में वो स्टेबल नहीं होता, जल्दी से अपनी एनर्जी निकाल के वापस कहाँ आ जाता है, नीचे वाले लेवल में। समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो, जस्ट इमेजिन ये केस है, ऐसे बना लेते हैं इसको है ना, ये एल, ये एम, ये एन। अब इनकी एनर्जी कुछ इस तरह होती है कि सबसे कम किसकी होगी, के की है ना, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम एनर्जी होती है के शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे आपने फोटोन मारे, ठीक है। हमने कहा कि इसकी एनर्जी है E1, कितनी है E1, इसकी है E2, इसकी है E3, इसकी है E4, ठीक है। मैंने इस पर फोटोन के लाइट के पैकेट्स मारना शुरू किया, लाइट मारना शुरू किया, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में। ये लोअर एनर्जी लेवल है, कम एनर्जी वाला है, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये
हाइयर एनर्जी लेवल है, सबसे ज्यादा हाइयर तो यही है, ठीक है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं इन तीनों को, तो तीनों हाइयर एनर्जी लेवल है, ठीक है। अगर मैं एल को कंपेयर करूं तो एल से एम और एन हाइयर लेवल एनर्जी है, हाइयर एनर्जी लेवल है, और के लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो अब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, लोअर एनर्जी लेवल पे, इस तरह से बताया मैंने इलेक्ट्रॉन को, ये इसको आपने फोटो में मान लिया तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके कहां चला गया, हाइयर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इसको कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी इन दोनों के एनर्जी गैप के बराबर, कितनी एनर्जी चाहिए इसको यहां जाने के लिए, इन दोनों के गैप के बराबर, यानी कि यहां से यहां पहुंचने पर एनर्जी चेंज कितना होगा सर, E4 - E1। अरे कैसे, मानो इसकी एनर्जी है 50 जूल, है ना, इस शेल की एनर्जी कितनी है 50 जूल, इसकी कितनी है 100 जूल, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है, इसकी 50 जूल, इसकी 100 जूल, आपने इसको एनर्जी दे दी जबरदस्ती, वैसे कोई लेता नहीं है पर फिर भी दे दिया आपने इसको, तो ये कितनी एनर्जी लेकर यहां पहुंचेगा सर, E4 - E1, यानी कि इसको 50 जूल एनर्जी और हो तब ये कहां पहुंचेगा, यहां पे, तो डेल्टा ए किसके बराबर होगा E4 - E1 इस केस के लिए। अब यहां पर ये स्टेबल नहीं होगा, जितनी एनर्जी इसने ली थी उतनी एनर्जी को जल्दी से रेडिएट करेगा और वापस कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि इसको वापस कहां आना है, यहां पे। अब ऐसा क्यों होता है ये रदरफोर्ड ने बताया था, टेंशन मत लो, पर अभी याद रखो कि ऐसा होता है, ऐसा भी याद रखो कि होता है, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने कहा डेल्टा ही दोनों एनर्जी शेल के गैप के बराबर होगा, डेल्टा ए किसके बराबर होगा, दोनों एनर्जी शेल के गैप के बराबर होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा कि यहां से E1 से E3 में गया तो डेल्टा ए कितना हो गया, डेल्टा ए इस बार हो गया E3 - E1, कोई डाउट, डेल्टा ए कितना हो गया E3 - E1। तो ये रदरफोर्ड का लास्ट निल्स बोर का लास्ट पोस्टुलेट था, ठीक है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दो तो वो एनर्जी पाके हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहां वो अनस्टेबल एनर्जी रेडिएट करके वापस कहां आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ पर नई नई टर्म्स है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना जायज है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, कोशिश की है ना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। पर दो आपको यहां से अब दो चीज याद रखनी है, कौन कौन सी, फिर से अच्छे से याद रखनी चाहिए, mv² / r = k × z e² / r², ठीक है। दूसरा mvr = nh/2π, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अभी कहा ना मैंने कि कोई पूछे बॉस मॉडल, mvr = nh/2π, क्लियर इतना, ठीक है। तो इसके आगे हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, है ना, लेक्चर काफी लंबा हो गया ऑलरेडी, तो उनको हम देखेंगे कल, ठीक है, पढ़ाई करें तब तक, है ना, ऑल द बेस्ट।